दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ। जो भी एस्पिरेंट्स चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में एडमिशन लेना थ्रू CUCET, उन सभी के लिए जो है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूँ। फाइनली जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने जो है एक नोटिफिकेशन शेयर की है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, एंड जो है उसके साथ साथ में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड उसके साथ साथ में कुछ प्रोसेस, एंड उसके साथ में जो है रजिस्ट्रेशन की कितनी फी लगेगी उसके बारे में जो है यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने जो है एक नोटिफिकेशन शेयर किया है। तो गाइज इस वीडियो में जो है आप सभी के साथ में वही नोटिफिकेशन शेयर करने वाला हूँ, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, एंड उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, बिकॉज CUCET 2021 के रिगार्डिंग जो है इस चैनल पर आपको ऑलवेज लेटेस्ट अपडेट जो है मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ने यह शेयर की है कि CUCET 2021 के जो है रिजल्ट्स फाइनली डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो है अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो है उनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन रुको, रजिस्ट्रेशन कब से करना है एंड उसके साथ में नोटिफिकेशन क्या है वो देखो। सबसे पहले क्या है, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है समर पोर्टल पे, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है आंध्र प्रदेश की तरफ से होगा, यानी जो CUAB पोर्टल, सुनना, CUAB.samarth.ac.in ये आपका पोर्टल होने वाला है, या फिर जो है आप CUAB.ac.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये दोनों पोर्टल को आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन करना कब से है तो उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने ये कहा है, सिर्फ ये कहा है कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है कुछ दिनों के बाद में जो है आपको अनाउंस की जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन के जो डेट्स है वो अनाउंस की जाएगी। अभी रजिस्ट्रेशन के डेट्स जो है अनाउंस नहीं किए गए हैं, एंड जब अनाउंस की जाएगी उसके रिगार्डिंग मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर करूंगा। एंड अब हम बात करते हैं कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं भूल रहा था कि इस बार जो है आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है आंध्र प्रदेश में अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो या फिर काउंसिलिंग अगर आप हिस्सा लेना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन की जो है फीस भी लग रही है इस बार। ओके, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश के लिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर जो है अगर आप बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको रजिस्ट्रेशन की फी जो है 400 रुपीज जो है पे करनी होगी, इस चीज को आप ध्यान देना। एंड अगर दूसरी अगर हम बात करें, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 200 रुपीज जो है पे करना होगा। एंड फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो है फी कोई भी नहीं लेगा, यानी जो है रजिस्ट्रेशन उन सभी के लिए फ्री है। तो इन चीजों को आप ध्यान देना। अब इन्होंने जो है जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एक एक करके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूं आपको, और आप जो है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ पे रेडी रखना। एंड लेकिन यहाँ अभी तक जो है इन्होंने कोई अंडरटेकिंग का कुछ चीजें के बारे में नहीं बताया, हो सकता है कुछ दिनों बाद में जो है ये भी अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे देंगे अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूं, एक एक करके मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको पढ़ के बताता हूं। तो सबसे पहले यहां पे देखो आपके पास चाहिए, मैं यहां पे पढ़ रहा हूं इसलिए नीचे देख रहा हूं। सबसे पहले देखो डॉक्यूमेंट्स फॉर काउंसिलिंग के लिए आपको चाहिए सेकेंडरी स्कूल, एंड इसके बाद में क्लास 10 या फिर जो है एसएससी का जो है मार्कशीट चाहिए। दूसरा जो है क्लास 12 या फिर जो है सीनियर सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट या फिर PUC मार्कशीट, ये चलेगा आपको। ओके, क्लास 10 एंड क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए। अब तीसरा क्या है, ग्रेजुएशन मार्कशीट चाहिए आपको, एंड उसके बाद में ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, एंड उसके बाद में जो है आपके पास में वैलिड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, तो उसके लिए आप जो है क्लास 10 का मार्कशीट यूज कर सकते हो, उसमें जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है लिखा हुआ होगा। अब उसके बाद क्या है, आपको माइग्रेशन चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एंड उसके बाद में जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए TC, ओके, या फिर उसी को आप बोल सकते हो CLC यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। एंड उसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, एंड यहाँ पे कास्ट में जो है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करके वो जो होना चाहिए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट का, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है इसी फॉर्मेट का आपको चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास अगर आप बिलोंग करते हो तो देना, नहीं है तो मत देना। अब डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो है, अगर आप जो है मान लो अगर आप जम्मू एंड कश्मीरी डोमिसाइल हो या फिर कश्मीरी माइग्रेंट्स हो या फिर कोई डिफेंस कैटेगरी का अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था, तो उन सभी के लिए जो है आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड लास्टली जो है आपको एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओके, जिन जिन चीजों के बारे में मैंने बोला है उन चीजों का आप नोट कर लेना, इन चीजों को जो है आप रेडी रखना, बिकॉज काउंसलिंग जो है कुछ दिनों में जस्ट स्टार्ट होने वाली है। अनमोस्ट प्रोबेबल जो है अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन कल ही का है, तो यहाँ पे एक दो दिन में जो है आपका काउंसलिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, एंड कट ऑफ वगैरह के बारे में अगर आपको चाहिए तो उसके बारे में आपको देने की कोशिश करूंगा लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में। तो गाइज इस चीज को ध्यान देना। तो ये नोटिफिकेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।